अब्दुल कयूम खान साबिक सदर सेंट्रल रीजन पीटीआई सऊदी अरब का ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक मिलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया। इसमें जो बिल पास हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का और ख़ास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो वोट का राइट दिया गया है, मैं उन तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात के मुतमन्नी थे। साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है उनको उनका राइट दिलाने के लिए खान साहब की एक तवील अरसे से ये कोशिश थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा एक अहम किरदार है उनका, तो ये उनका हक है कि वो इस मुल्क की तरक्की के लिए इस मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा भी ले, अपना वोट भी कास्ट करे और अपने पसंद के उम्मीदवारों को अपना वोट दे दे। तो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हमारा हक दिया। और मैंने इसलिए ये बात की कि उन पाकिस्तानियों को कि कल हमने देखा कि अजीब व गरीब बयानात हमें सुनने को मिले अपोजिशन की तरफ से कि जो लोग पेरिस में बैठे हैं और बरतानिया में बैठे हैं वो मुल्तान में पेशावर या कराची या लाहौर में कैसे वोट डालेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो वर्कर्स हैं अब उनको चाहिए कि वो हक और बातिल में पहचान करें कि ये जो लीडरशिप है हमेशा से इन्होंने आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो लोग इस दुनिया में मौजूद नहीं थे उनके वोट भी डाले जाते थे। इनके हर हलके में 20 से 25 हज़ार के फेक वोट होते थे और उन्हीं वोटों के बलबोते पे ये लोग इलेक्शन जीतते थे। अब चूंकि वो रास्ते बंद हो गए हैं तो इनको अभी से अपनी शिकस्त नज़र आने लगी है। मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त महंगाई के हवाले से मुल्क के हालात मुनासिब नहीं हैं, लेकिन जो कौमें सब्र से काम लेती हैं और लॉन्ग टर्म सोचती है वो इस तरह के हालात का मुकाबला करते हैं। हमें भरपूर यकीन है अपने लीडर पे कि वो इन मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। उनकी एक नेकनीयती पर मबनी एक खूबसूरत सोच है पाकिस्तान को दुनिया में एक बेहतर से बेहतर मुल्क बनाने के लिए। हम सबको उनका साथ देना होगा ताकि जो अगला इलेक्शन है हम उसमें खान साहब को एक ऐसी टीम दे कि आगे जाके वो इस मुल्क में